यूपी के रामपुर में अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले जनपद के संवेदनशील स्थानों पर फोर्स की तैनाती की जाएगी। पुलिस जिले के ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रही है जहां अफसर शांति व्यवस्था बनाए रखने की कवायद में जुटे हुए हैं। अयोध्या प्रकरण कर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, किसी भी दिन इस पर फैसला आ सकता है। वैसे संभावना 14 या 15 नवंबर को फैसला आने की बनी हुई है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के सामने शांति व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए सप्ताह भर से कवायद की जा रही है। पुलिस अफसर समस्त स्थानों में मीटिंग कर रहे हैं और सभी धर्मों के धर्मगुरुओं का सहयोग लिया जा रहा है। वहीं SP रामपुर डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने सभी धर्मों के धर्मगुरु व समाज से जुड़े लोगों को बुलाकर पुलिस लाइन रामपुर में मीटिंग ली। साथ ही उन्हें दिशा निर्देश भी जारी किए और सहयोग करने की अपील भी की। साथ ही जिले के कुछ संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। फैसला आने से पहले ऐसे स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि किसी तरह कोई भी खुराफात ना कर सके। पुलिस आपसी सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में जुटी हुई है। को लेकर के क्या कहते हैं, अभी फैसला आने वाला है उसको लेकर के जिले में कानून व्यवस्था की क्या तैयारी की जा रही है? आगामी कुछ दिनों के अंदर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो निर्णय आना है उसी के संबंध में जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सभी समुदाय के अंदर सौहार्द बनाए रखने के लिए मीटिंग्स अलग अलग वर्गों के साथ में की जा रही हैं और प्रशासन, पुलिस और पब्लिक के बीच में किसी प्रकार से तालमेल की कमी ना रहे, उनके बीच में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन का गैप ना रहे, उसके लिए विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। जो सुझाव पब्लिक की तरफ से आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो प्रशासन की मंशा है, जो अपेक्षा है, उसको बताया गया है और पूरी तरह से सहयोग पब्लिक की तरफ से हमें मिल रहा है और पूर्णतया आश्वस्त हैं हम कि कार्रवाइयों के तहत और जनता के सहयोग से जनपद में पूरी तरह से शांति व्यवस्था को कायम रखा जाए। अच्छा, अभी आपने बताया कि NSA भी लगेगी, गुंडा एक्ट भी उन लोगों पे लगे, तो कौन ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह से जो भी ऐसे खुराफाती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं जो जनपद में किन्हीं लोगों के बीच में विभिन्नता पैदा करने की कोशिश करेंगे, माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो जिस तरह की अवैध गतिविधियों को उनके द्वारा किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली NSA तक की कार्रवाई करने पर विचार किया जाएगा। अच्छा, सोशल मीडिया आजकल काफ़ी एक्टिव रहती है, सोशल मीडिया पे जो असामाजिक तत्व, उनके लिए क्या ये कई बार ये हिदायत सभी को दी गई है। डिजिटल वॉलंटियर्स के माध्यम से भी ये मैसेज जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार से भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो और जो भी ऐसे व्यक्ति सोशल मीडिया पे गलत तरीके से कुछ अफवाहें फैला रहे हों या किस तरह के मैसेज देने की कोशिश कर रहे हों जो कि सही नहीं है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल अवेयरनेस कैंपेन लगातार हमारा जारी है, चाहे वो मीटिंग से हो, चाहे वो पैम्फलेट से हो या अलग अलग माध्यमों से हो, हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि सोशल मीडिया पे किसी प्रकार का कोई भी गलत संदेश किसी के द्वारा ना डाला जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।